हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचने वाली है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या बचाव है और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक समय को हम किस हिसाब से डील कर रहे हैं, यानी कि जो समय उसको हम किस तरह बिता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वीडियो आपको लेट थोड़ा प्राप्त हो रही है, क्योंकि समय की कमी होने की वजह से ये वीडियो नहीं बन पाई थी, परंतु कुछ दर्शक थे जिनके कमेंट आ रहे थे, जो लोग फ़ोन भी करके बता रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, जो कि इससे पहले आपने इस विषय पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी। तो आइए समझते हैं कि प्रिय दर्शकों, राहु जो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो अब वो आपके जीवन में क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्या प्रभाव डालने वाले हैं। राहु 30 अक्टूबर 2023 पिछले वर्ष ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं और ये रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं इस समय। तो ये तो रेवती नक्षत्र है, हर एक नक्षत्र में चार चरण होते हैं, तो इन्होंने चरण में परिवर्तन किया है, रेवती नक्षत्र के चरण में, यानी कि ये प्रथम चरण में अब गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। पहले चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और अब प्रथम, क्योंकि राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, अन्य ग्रह जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर चतुर्थ में फिर अगले नक्षत्र पर, परंतु ये उल्टा चलते हैं। अभी रेवती नक्षत्र के ये प्रथम चरण में गोचर करेंगे, कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये नक्षत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेवती नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो बुध होते हैं, और बुध जो है तो आपके लिए कारक ग्रह नहीं है। बुध आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं, क्योंकि अब देखा जाए कि व्यय के अधिपति होते हुए और आपके साहस के अधिपति होते हुए आपके जीवन में ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, साथ में देवगुरु के ये धनु के नवमांस में भी गोचर कर रहे हैं, और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जिसकी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, वो खुद इस समय शुक्र की राशि वृषभ पर गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं, इसके अनुसार आपके जीवन में अभी तक जो राहु मीन राशि पर गोचर करते हुए और आपके सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यानी कि मानसिक स्थिति में बहुत बड़ा एक रोड़ा बने हुए थे, यानी कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा, सही निर्णय ना ले पाना, आपके जीवन में एक उलझन की स्थिति बनी बनाते रहे, अभी राहु बना रहे हैं, और आपके जीवन में एक जो कमी महसूस हो रही थी कि एनर्जी यानी कि मेहनत करने का, काम करने का मन नहीं पड़ रहा था, आलस्य लग रही थी, और आप कोई कंपटीशन, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, वहाँ पर असफलताएं, और आपके जीवन में यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो वो विफल हो जाना, इस समय कई जो माँ बहनें हैं उनके ऐसी स्थिति बनी कि गर्भपात तक की स्थिति बन गई, और जो संतान की प्लानिंग कर रहे थे वो नहीं सफल हो पा रही है। 30 अक्टूबर के बाद यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। आप इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं वहाँ पर असफलताएं, विद्यार्थियों का मन जो है तो ना लगना पढ़ाई में, यहाँ वहाँ मन भटकना सोशल मीडिया या यार दोस्तों के साथ, और जो लव पार्टनर हैं उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब कहा जाए कि, यानी कि ब्रेकअप की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति बन रही थी। तो ये जो समस्याएं थी इनमें अब कमी देखने को मिलेगी, कैसे देखने को मिलेगी, आइए समझते हैं क्या होगा। प्रिय दर्शकों, अब आपके जीवन में जो व्यय की स्थिति बन रही थी, यानी कि जो बेवजह के बीमारी, बेवजह के खर्च आ रहे थे, तो उनमें अब इस समय कमी आएगी, या आप विदेश यात्रा करना चाहते थे वहाँ पर समस्याएं आ रही थी तो विदेश यात्रा कर पाएंगे आप। इस समय आप अपने जीवन में
उस स्थिति में पहुंच पाएंगे कि जो समस्याएं हैं उनसे कैसे बाहर निकला जाए, इसके मार्ग मिलेंगे आपको। आप जहां अभी तक आलस्य महसूस कर रहे थे, अब आलस्य में कमी आएगी, जोश में वृद्धि होगी और आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में आप कोशिश कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं मिल रहा था कुछ न कुछ, अब जैसे दो चार है उसमें कंडीशन है, उसमें आप समझिए कि तीन कंडीशन आपने पार कर लिया पर एक नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थितियाँ बन रही थी, तो अब आपको वहाँ पर भी सफलताएँ मिलेंगी। साथ में आपके जीवन में आप रिस्क ले सकेंगे इस समय, क्योंकि जीवन में बिना रिस्क लिए कुछ हम कर नहीं पाते हैं, तो इस समय रिस्क भी आप ले सकेंगे। यदि सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड हैं तो यहाँ से यदि आप अर्निंग कर रहे थे या कोई बेनिफिट आपको मिल रहा था तो अभी तक रुकाव बना हुआ था राहु की वजह से, तो अब ये जो रुकावट बनी हुई थी ये रुकावट अब दूर होगी और अब सोशल मीडिया में आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। अब इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्रिएटर हों, चाहे फेसबुक में, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या अन्य अन्य बहुत सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं, तो या आप जैसे कहा जाए कि आपकी पर्सनल वेबसाइट है, एप्लीकेशन है या बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ, तो यहाँ पर अभी तक ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। जैसे अब आपका चैनल है उसमें आप बहुत कोशिश करें, बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं पर ग्रो नहीं हो पा रहा है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, उतना पैसा नहीं बन पा रहा है, तो ये समस्याएं जो थी इनमें अब कमी देखने को मिलेगी। पूरी तरह समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि आप सोचें कि नहीं बस अब जो ये चरण परिवर्तन हुआ तो सब कुछ बिल्कुल बदल जाएगा, नहीं, उसमें कमी आएगी। जो समस्याएं बहुत ज़्यादा थी तो अब कुछ कम हो जाएंगे, तो अच्छी बात है ना कि समस्याएं अब कम होंगी पहले से, परंतु आपको सावधान रहना है पूरी तरह से। जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उनके प्रति पूरी सावधानी रखनी होगी जो मैंने अभी बताया, और यदि ऐसी समस्याएं आपके जीवन में थी तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ ये समस्याएं थी, और इसके अलावा भी यदि कोई दूसरी समस्याएं थी तो आप बता सकते हैं, जिससे मालूम पड़ सके और भी लोगों को कि हाँ राहु महाराज क्या क्या समस्याएं दे रहे थे। तो प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो समस्या है उससे बचाव क्या है, क्या उपाय करना चाहिए। मैंने जो वीडियो बनाया था उस समय अक्टूबर में जब राहु का परिवर्तन हुआ था 2023 में, तो आपने देखा होगा, और इस समय आप क्या उपाय कर सकते हैं, जो पहले उपाय कर रहे थे यदि आप कर रहे थे तो उनको करिए। साथ में आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाइए और जल में क्षमा करिएगा, जल में थोड़ा सा काला तिल डालिए और फिर स्नान कराइए, और साथ में आप दूध भी चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को, जिससे और भी बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकेंगे। तो भगवान शिव की आराधना खूब करिए, मंत्र पूजा पाठ जो भी आपसे बने तो भगवान भोलेनाथ जरूर कृपा आपके ऊपर करने वाले हैं। और कमेंट करके बताइएगा क्या कैसी स्थितियां हैं आपके जीवन में, क्या ये स्थितियां बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, या आपको लाभ। अब एक चीज़ और भी मैं बता दूं फिर मैं वीडियो पूरा करता हूं कि अब जैसे मैं जो हमेशा बताया करता हूं कि कुंडली चेक करिए, संभव है कि इस समय जो मैं बताया कि बहुत सारी समस्याएँ थी और परंतु कुछ लोगों को बहुत लाभ भी मिला होगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह प्रिय दर्शकों कि आपकी कुंडली और हर एक ग्रह आपकी कुंडली और गोचर दोनों में क्या स्थितियां हैं। अब जैसे गोचर में मैंने बता दिया पर आपकी कुंडली कैसी क्या है मुझे पता नहीं, तो कुंडली को देखिए, चेक करवाइए, विश्लेषण करवाइए। यदि राहु अच्छी स्थिति में होंगे तो यही समय होगा कि आपको बहुत लाभ दिए होंगे, और यदि समस्याएं होंगी तो देखा ही जा सकता है। तो आपको हमेशा कोई भी आप वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो या कोई भी अन्य चैनल में वीडियो देखते हैं, तो आपको चेक करना चाहिए तुरंत कि हम जिस ग्रह स्थिति की बात कर रहे हैं, जैसे हम राहु की बात कर रहे हैं, बुध की बात कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं, वैसे तो मूल रूप से राहु है परंतु अब जिसके नक्षत्र में है, जिसके राशि में, उसका भी प्रभाव राहु देता है। तो राहु को चेक करिए, इन ग्रहों को चेक करिए, जिससे आपको कन्फर्म हो सके कि क्या जो आपने सुना है वो होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा कितना नहीं होगा,
तो ये सब ज़रूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।